हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोज डे के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, मनोज डे एक यूट्यूब के बारे में टैग चैनल है उनका। यूट्यूब के बारे में बताते हैं, चैनल के बारे में बताते हैं, न्यू सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और चैनल अपना कैसे बनाएं इस बारे में वो बताते हैं। हमेशा यूट्यूबरों की हेल्प करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय बहुत ज़्यादा वो परेशानी में है। उनके चैनल पर लोग जो ना हाथ धोकर पीछे पड़ गए। जैसे कि आपको सभी को पता है कि यार, जब कोई कामयाब होता है ना तो उसके पीछे लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, मनोज डे के ना 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। तो जो है, ऐसा नहीं है कि चैनल एकदम से डिलीट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हल जरूर मिलेगा उसका। लोगों ने न जाने तरह तरह की वीडियो बना दिया मनोज डे के ऊपर, अपने व्यूज़ पूरे करने के लिए, व्यूज़ छापने के लिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अपना चैनल उठाने के लिए मनोज डे को परेशान कर रहे हैं इस समय। तो मैं आपको बता दूँ, 2 स्ट्राइक मिली है अभी मनोज डे को, 1 स्ट्राइक बाकी है। जब 3 स्ट्राइक चैनल पर आ जाती हैं लगातार, तो जाकर के चैनल डिलीट होता है, ऐसे डिलीट नहीं होता है। मनोज डे ने भी कह दिया है कि रुक जाओ, जितने भी तुम जो है जल रहे हो ना, जितने मुझे परेशान करने में लगे हो, तो अभी 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद क्या निष्कर्ष निकल जाओ वो बताने वाले हैं। तो जैसे कि गाइज आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट है। तो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है मनोज डे की इंस्टा स्टोरी से। इसमें जो है लोग ना, जितने भी यूट्यूबर हैं, व्यूज छापने में लगे हुए हैं और उल्टा सीधा कह रहे हैं, उल्टे सीधे व्यू जो है थंबनेल बना रहे हैं मनोज डे को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मनोज डे ने ना ऑडियंस कमाई है, ना कि चैनल। अगर चैनल उनका चला भी जाएगा तो दूसरा चैनल खड़ा कर देंगे वो, फिर उस पर इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो गाइज, जो लोग ग्रुप बना कर गए उन पर जो है रिपोर्ट मार रहे हैं चैनल को, तो इसी वजह से चैनल पर स्ट्राइक मिली है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने ना उनको परेशान करने का ठेका ले रखा है। जैसे कि 1 स्ट्राइक मिल गई, फिर 2 स्ट्राइक मिल गई। उन्होंने पता निकाला साइबर क्राइम से, तो पता चला कि एक ग्रुप है जिसमें लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं, उनके चैनल पर रिपोर्ट मार रहे हैं, जिससे यूट्यूब ने इनको जो है स्ट्राइक दे दी है। तो गाइज़, मुझे लगता है कि चैनल इनका डिलीट आसानी से नहीं होने वाला है, जिसमें 4.5 मिलियन व्यूज़ हों, मतलब 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर हों, तो वो ऐसा डिलीट नहीं होने का, क्योंकि अभी एक जो स्ट्राइक बाकी है। तो गाइज़, आई होप गाइज़ आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मनोज डे से लगाव रखते हैं, मनोज डे से कुछ सीखे हैं, उनकी यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो मनोज डे के बारे में एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।